मैं हूँ अभी ओल्ड महाबलेश्वर में और यहाँ पर हम लोग जिस रिसोर्ट का टूर करने वाले हैं उस रिसोर्ट का नाम है अद्वैत रिसोर्ट। बहुत ही बढ़िया रिसोर्ट है, वैली व्यू है यहाँ से, वैली के अंदर आप यहाँ पर फील कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर इन लोगों के दो पार्ट है, ये जो मेरे पीछे आप जो रिसोर्ट देख रहे हैं ये एक, और अद्वित वाड़ा करके जो प्रीमियम वाड़ा जो वहाँ के रूम्स है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये नई प्रॉपर्टी है और बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको थोड़ा सा कम बजट में अगर रूम्स चाहिए होंगे, रिसोर्ट चाहिए होगा, तो आप इस रिसोर्ट में ज़रूर रुक सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से हम लोगों को जो महाबलेश्वर शिव जी का टेम्पल है वो भी देखने के लिए मिलता है रूम से, और ऊपर से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही ये टेम्पल है, जो श्री महादेव जी का जो टेम्पल था वो उसका नाम से ही महाबलेश्वर का नाम पड़ा है। तो आप यहाँ से भी वहाँ पर आराम से जा सकते हो। और ये जो रिसोर्ट है, चलिए तो इसका टूर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया, इसके सामने ही हम लोगों को पार्किंग है। इसी के साथ साथ जो अद्वित वाड़ा है उसके सामने भी हम लोगों को पार्किंग मिल जाती है। ये जो रिसोर्ट है ये वैली के अंदर रिसोर्ट है, इसके वजह से आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ और ये सकते हैं, देख सकते हो ये जो है ये कैनोपी एरिया है ये सब कुछ। और यहाँ पर एक्टिविटी कुछ तो चाहिए, इसलिए यहाँ पर इन लोगों ने ऐसे झूले लगाए हुए हैं, बहुत सारे झूले यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर इन लोगों का स्विमिंग पूल एरिया है, तो चलिए ये है स्विमिंग पूल एरिया, छोटा सा स्विमिंग पूल है किड्स अडल्ट के लिए, लेकिन बहुत अच्छा है, ट्रीज के बीच में बहुत अच्छा लग रहा है ये स्विमिंग पूल एरिया। मेरे ख्याल से इस रिसोर्ट की एक खासियत ये है कि इन लोगों का खुद की पर्सनल वैली है जिसका नाम है अद्वित वैली ओल्ड महाबलेश्वर, या फिर महाबलेश्वर में एक लौता ये रिसोर्ट होगा जिसकी खुद की वैली हो जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग रूम टूर करवा देते हैं। सो मैं अभी आपको गार्डन फेसिंग रूम दिखा देती हूँ। ये है गार्डन फेसिंग और ये है यहाँ की गैलरी, यहाँ पर सिटिंग दी गई है, यहाँ पर किंग साइज बेड है और यहाँ पर सोफ़ा कम बेड भी है, मतलब आपके साथ छोटा बच्चा है पर थर्ड पर्सन होगा तो वो यहाँ पर आराम से सो सकेगा। इसके साथ साथ एसी है, टीवी है, और यहाँ की सबसे अच्छी और स्पेशल बात जो है वो है यहाँ का वॉशरूम जिसमें है टब बाथ। जी हाँ, ये वॉशरूम में हम लोगों को टब बाथ मिलता है, शॉवर एरिया और ये सब कुछ। तो यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर के जो रूम्स है इसमें हम लोगों को टब बाथ देखने के लिए मिलता है, मतलब मिलता है तो मतलब आपको अगर टब बाथ वाली रूम चाहिए होगा तो कम प्राइस में, जो कि जो फर्स्ट फ्लोर के जो वैली व्यू है उससे जो यहाँ का जो प्राइस है वो कम है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं अभी डाइनिंग एरिया आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर है ये ओपन डाइनिंग एरिया, इसके बाद ये है और एक, और ये है अंदर का एरिया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत सारा वुडन वर्क है, फ्रेम है, ये सब कुछ है, लेकिन ये अभी रिसेंटली रिसोर्ट बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। ये जो पूरा है ये वैली के अंदर रिसोर्ट बना हुआ है ऐसे लगता है। इस रेस्टोरेंट में या फिर आप कह लो कि पूरे के पूरे जो रिसोर्ट में जो वुडन वर्क किया गया है, वुडन के जो स्टैचूज हो गए या फिर फ्रेम हो गए, जो सिटिंग यहाँ पर की है, जैसे कि विंटेज मॉडर्न विंटेज वाला लुक यहाँ पर आ जाता है, पुराने और नए ज़माने का जो मिक्सचर है वो सच में बहुत अच्छा है। वो
मैं अभी आपको रूम टूर करवा देती हूँ, लेकिन ये देखिए जो महाबलेश्वर की पहचान है, महाबलेश्वर शिव टेंपल, ये यहाँ पर ही है, यहाँ पर से ही दिखता है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा देती हूँ रूम। तो ये फर्स्ट फ्लोर की प्रीमियम रूम है, और जैसे ही हम लोग एंटर कर देते हैं, हम लोग को यहाँ पर वार्डरोब दिया गया है, इसी के साथ साथ मिरर, टीवी, और ये रहा बेड, और यहाँ पर सोफा भी दिया गया है। इससे जो बालकनी है उससे हम लोगों को गार्डन, पूरा रिसॉर्ट और वैली व्यू मिलता है। बहुत ही खूबसूरत है, जो फर्स्ट फ्लोर के जो रूम्स है उन सब से हम लोगों को ये वैली व्यू मिलता है, और जो गार्डन जो ग्राउंड फ्लोर पर है उससे हम लोगों को गार्डन व्यू मिलता है। ओवरऑल ये जो रूम है वो बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हो। और मैं अभी आपको यहाँ का वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। ये है यहाँ का वॉशरूम, बहुत ही क्लीन है। तो मैं अभी आपको अद्वित बाड़ा दिखाने वाली हूँ, तो चलिए हम लोग अंदर जाके देखते हैं कि ये बाड़ा कैसा है। एंट्रेंस तो बहुत ही एट्रैक्टिव है, यहाँ पर फर्स्ट ही रॉक का वर्क किया हुआ है, आप ये देख सकते हो। यहाँ पर विंटेज जो भी चीजें रखी हुई है ब्रास की, वाओ बहुत ही यूनिक चीजें रखी हुई है। तो चलिए हम लोग घूमते हैं बाड़ा। सो हम लोग अभी यहाँ का जो वाड़ा की जो रूम है वो एक्सप्लोर करते हैं। बाहर सीटिंग दी गई है, एक चेयर यहाँ पर रखी गई है, और ये रही रूम। रूम भी बहुत बढ़िया है, वुडन वर्क किया हुआ है। यहाँ पर इन लोगों का वार्डरोब है, यहाँ पर मिरर दिया गया है, और इसके साथ साथ यहाँ पर सिटिंग है, बेड है, यहाँ पर इन लोगों ने टीवी भी रखा हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पर है वॉशरूम। वाओ मिरर पर वर्क देखो कितना बढ़िया किया गया है। ये है शॉवर एरिया। ओवरऑल ये जो रूम है वो बहुत ही बढ़िया है। एक सेकंड, तो ये जो वाड़ा है जो हम लोगों ने देखा, जो महाराष्ट्रन वाड़ा रहता है उस टाइप में, पर लग्जरी यहाँ पर दोनों का मिश्रण यहाँ पर बनाया गया है। तो इसके जो प्राइस है वो है 5,000 रुपीज़, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। बहुत ही अच्छा है, यूनिक कंसेप्ट है वाड़ा सिस्टम, और यहाँ से हम लोगों को वैली व्यू मिलता है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के जो रूम्स है वहाँ से मिलता है, नहीं तो जो नीचे के टाइप से ना हम लोगों जो विंटेज जो चीज़ें होती है वो रखी गई है। तो ओवरऑल ये जो वाड़ा है यहाँ पर जो स्टोन का भी वर्क किया गया है, वुडन का वर्क किया गया है, ये बहुत अमेजिंग है। सो मैं अभी जो नॉर्मल रूम्स हम लोगों ने फर्स्ट देखे थे उसके प्राइजेस बता देती हूँ। तीन रेंज के यहाँ पर रूम्स है, 5,200, 5,700 और 6,200 प्लस टैक्सेस, ऐसे यहाँ के जो रूम्स है जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। तो वहाँ से हम लोगों को वैली व्यू, टब बाथ वाले ऐसे रूम्स अलग अलग मिल जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत रिसॉर्ट है, और यहाँ से वैली व्यू बहुत ही बढ़िया दिखता है, और विंटेज लुक भी है। यहाँ का जो स्विमिंग पूल है वो बस थोड़ा सा छोटा है, बाकी जो यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।